हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बच्चों की बहुत ही फेवरेट सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी। बिना किसी मैदा, एग और ओवन के बना रहे हैं। बहुत ही जल्दी बन के झटपट बन जाएगी, तो ये सरप्राइज ज़रूर अपने बच्चों को दीजिए, उनको बहुत ही पसंद आने वाली। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट लिया है। इसके क्रीम को मैं अलग कर दूंगी और बिस्किट को अलग कर लूँगी। इसके बाद से क्या करना है, हमको बिस्किट के ऐसे छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़ लेना है, क्योंकि अभी हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो अब क्या करना है, हमें ग्राइंडर जार लेना है, उसमें ये टूटे हुए बिस्किट डाल देना है। एक चम्मच में शुगर ले रही, थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हमें दूध लेना है, दूध बहुत ज़्यादा नहीं डालना है हमें, बस ऐसी मतलब रिवेन कंसिस्टेंसी ही चाहिए, पोरिंग हो लेकिन रिवेन हो। बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब पतला बैटर नहीं चाहिए इसका। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, तो बस एक ही पिंच डालें, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने लिया था उससे थोड़ा सा मैंने बचा भी दिया है, तो बहुत अच्छा परफेक्ट बन जाएगा ऐसे में। यहाँ पे मैंने डोसे वाला तवा लिया, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, और उसके बाद से एकदम तेल को अच्छे से वाइप कर देंगे, मतलब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए टिश्यू पेपर से, ताकि इसमें चिपके नहीं। यहाँ पे कोई भी आप एक मेजरमेंट सेट कर लीजिए कटोरी स्पून से, और उसी से डोरा केक बनाएंगे ताकि एक बराबर बन के तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने ये देख सकते हैं एक बराबर करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर लिया है, और ऐसे डाल देंगे। बस हमें 50 सेकंड ही ढकना है, एक मिनट लग सकता है लेकिन एक मिनट से कम ही लगता है इसको पकाने के लिए। बस 50 सेकंड के लिए ढक देंगे। ये बस एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है एकदम धीमा करके रखना है, मतलब बिल्कुल भी हाई मीडियम नहीं करना, एकदम लो ही करके रखना है। और बस फिर बिना ढके ऐसे हमें 50 सेकंड फिर से पका लेना है। एक मिनट बहुत होगा मेरे ख्याल से, 50 सेकंड ही लगते हैं, एक मिनट भी आप पका सकते हैं, फ्लेम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अब जब दोबारा बनाएंगे तो और जल्दी बन जाएगा, क्योंकि पहले से ज़्यादा गर्म होगा तवा। तो बस ऐसे ही हमें एक मिनट के लिए ढकना है, उसके बाद दोबारा हमें बिना ढके हुए ऐसे पका लेना है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें स्पॉन्ज आई और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ। बहुत फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है, ज़रूर ट्राई करिएगा, एकदम फटाफट बन के तैयार होगी और बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पे चार ऐसे डोरा जो भी ये है बना लिया है, और आप देख सकते हैं कितना फ्लफी लग रहा है, खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा। फिर इसकी हमने जो क्रीम अलग की थी, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे मिक्स करेंगे, इसमें हल्का गुनगुना सा दूध, और अच्छे से इसको मतलब क्रीम टाइप बना लेना है। तो मैं स्पून की हेल्प से मिक्स करते हुए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी क्रीम बन गई, हल्का गुनगुना दूध ऐड करेंगे, बहुत जल्दी ये ऐसे क्रीम टाइप हो जाता है। इसके बाद से ऐसे हम लगा लेंगे पूरे इसमें, और इसके ऊपर से एक ऐसे रखेंगे और चारों तरफ से बढ़िया से चिपका देंगे। ऐसे ही मैंने दूसरे में भी किया है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। और अगर ये रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अच्छी अच्छी सी रेसिपी मैं लेके आऊँगी, ये मेरा वादा है, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं डोरा केक बन के तैयार है, बहुत ही जल्दी बन गया है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार मैं आपको काट के दिखा दे रही हूँ कि कैसे लग रहा है, तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया बन के तैयार है।